क्रैक इन 20 डेज। यस बिल्कुल, हुण तुसी 20 दिनां दे अंदर भी अपना सीटेट क्रैक कर सकते हो, वह भी पूरा सिलेबस कवर करके। वह किवें? देखो, 5 सबजैक्ट है तुहाडे कोल, 5 सबजैक्ट नूं तुसी 20 दिन दे अंदर कवर करके 120 प्लस स्कोर कर सकते हो, ज़्यादा सीटेट दा एग्जाम क्वालीफाई कर सकते हो। बट इन दे लई तुहानूं वीडियो नूं पूरा देखना पैना है, एंड जो जो स्ट्रैटेजी प्लस टिप्स दसियां जाणगियां उहनूं फॉलो करना पएगा। सब तो पहला तुसी अपना सिलेबस देखोगे कि तुहाडे कोल सीटेट दे अंदर सिलेबस की आ रहा है। सीटेट पेपर 1 एंड सीटेट पेपर 2। सीटेट पेपर 1 दी गल करिए तां सीटेट पेपर 1 दे अंदर अपने कोल फर्स्ट स्टेप CDP, सैकेंड लैंग्वेज 1, थर्ड लैंग्वेज 2, फोर्थ मैथामैटिक्स, एंड 5 जो कि अपने को EVS का पोर्शन रहता है। इनके नाल ही सीटेट पेपर 2 के अंदर चाइल्ड डिवेलपमेंट एंड पैडागोजी, लैंगुएज 1, लैंगुएज 2, एंड मैथामैटिक्स और साइंस जो कि अपने को 60 मार्क्स की वेटेज रखता है, एंड सोशल स्टडीज़। 3 सबजैक्ट थोड़े को बिल्कुल कॉमन रह रहे हैं, CDP होगी, लैंग्वेज 1 होगी, एंड लैंग्वेज 2 होगी। मैथ साइंस वाले स्टूडेंट्स लिए मैथ साइंस करना है, एंड जो SST वाले हैं उन्होंने SST करनी है 60 मार्क्स दी। एंड जो बच्चे सीटेट 1 दे पेपर दी तैयारी कर रहे हैं, सीटेट 1 दे अंदर CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, एंड 30 मार्क्स दी मैथामैटिक्स, एंड 30 मार्क्स दी EVS। हुण तुसी आ 5 सबजैक्ट नूं किवें डिवाइड करना है कि तुहाडा पेपर 120 प्लस स्कोर कर पाओ। क्लीयर तो करोगे ही करोगे, इंदे नाल तुसी 120 प्लस मार्क्स भी स्कोर करोगे। हुण इंदा तुसी किवें मैनेजमेंट करनी है, 28 दिसंबर, देखो 28 दिसंबर टू 31 दिसंबर तक सब तो पहला तुसी अपना पोर्शन चकोगे CDP, चाइल्ड ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट। चाइल्ड ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट क्योंकि CDP दी पूरे पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा वेटेज रहती है। अगर तुसी CDP नूं बहुत अच्छी तरह कवर कर दियो तां तुहाडे सारे दे सारे पार्ट बहुत ईजली कवर हो जाएंगे। हुण तुसी 28 तो 31 दिसंबर मतलब 28 नूं 29 30 31 ये चार दिन के अंदर तुसी सिर्फ CDP नूं ही पढ़ना है। CDP नूं पूरे, हुण CDP च पढ़ना की है, CDP च अगर तुसी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसैप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट, हैरिडिटी एंड इनवायरमेंट, CC दे अंदर असैसमेंट एज लर्निंग, फोर लर्निंग एंड एफ लर्निंग एंड ऑफ लर्निंग। इस तो अलावा इनकलूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इनकलूसिव एजुकेशन वाला टॉपिक, लर्निंग एंड टीचिंग थ्योरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, थ्योरीज बिल्कुल स्किप नहीं करके जाओगे। प्याजे की थ्योरी, वेगोस्की एंड कोहलमर्ग, एंड ब्लूम टैक्सोनोमी। ब्लूम टैक्सोनोमी तो एक एवें का टॉपिक है कि अगर तुम CDP के अंदर बहुत अच्छी तरह पढ़ते हो तो अगर तुम्हें किसी होर सबजैक्ट के अंदर भी पूछी जाती है तो तुम बड़े आराम नाल हर एक क्वेश्चन कर सकते हो। तो CDP के अंदर अगर तुम 7 टॉपिक भी बहुत ईजली करते हो तो 4 दिन के अंदर 7 टॉपिक बड़ी ईजली हो जाएंगे। 4 दिन के अंदर तुहाडे 7 टॉपिक बड़ी ईजली हो जाएंगे। तो तुम पहले 4 दिन अज तो ही तुसी लगना 28, 29, 30, 31। बट ये टारगेट है कि तुसी इस साल दे अंदर सिर्फ CDP पढ़नी है। देखो पूरा 2023 है तुहाडे कोल, फिर तुसी 2024 दे अंदर अगले सबजैक्ट चकने हैं। CDP दे अंदर तुसी 7 टॉपिक्स दे उपर आपका फोकस रखना है। उस तो बाद तुहाडे कोल लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1 1 जनवरी तो लैके 4 जनवरी तक, थोड़ा बहुत न्यू ईयर सैलीब्रेट कर लेना। फिर उस तो बाद 1 जनवरी तो 4 जनवरी के अंदर तुसी कोई भी लैंग्वेज लै रहे हो, अगर तुसी आदि लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लै रहे हो, चाहे तुसी इंग्लिश लै रहे हो, चाहे तुसी पंजाबी लै रहे हो, तुहाडी लैंग्वेज फर्स्ट जो भी तुसी अडॉप्ट की हुई है, यू नो दैट कि अपने कोल पैसेज पूछा जाता है लैंग्वेज के अंदर, लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन्हां चारा स्किल्स से बहुत फोकस करना है। कम्युनिकेशन स्किल तो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, पैसेज 2 पैसेज आएंगे, बहुत अच्छी तरह उनकी प्रैक्टिस करके जाओ पैसेज दी, क्योंकि अगर लैंग्वेज 1 के अंदर कर रहे हो तो लैंग्वेज 2 के अंदर भी देखोगे। जिन्नी मेहनत तुसी लैंग्वेज 1 के अंदर कर ली, इट मीनस 2 सबजैक्ट कवर हो गए, लैंग्वेज 1 भी एंड लैंग्वेज 2 भी। टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स तुसी मटीरियल्स वाला टॉपिक बिल्कुल स्किप नहीं करके जाना, मटीरियल्स कड़े यूज़ करता है, अगर तुसी एक टीचर हो तो तुसी बच्चों को कड़े मटीरियल्स नाल पढ़ाओगे, प्लस रेमेडियल टीचिंग वाला टॉपिक नू भी स्किप नहीं करोगे, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 तो दोनों टॉपिक साढ़े को कवर हो जाएंगे। हुण तुसी जो भी थोड़ी लैंग्वेज फर्स्ट है तुसी इनू किन्ने दिन पढ़ना है, 4 दिन।
4 दिन के अंदर तुसी ये वाला सिलेबस कवर करो प्लस पूरे दिन के अंदर 1 घंटा फिर पैडागोजी दी रिवीजन करो जो तुसी पैडागोजी पहली पढ़ी मतलब तुसी पिछले साल पढ़ी हो सकता है तुसी भूल गए हो वो तो पूरे दिन च अगर तुसी 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 7 घंटे तुसी आपदे लैंग्वेज ते फोकस करो प्लस 1 घंटा तुसी सीडीपी पढ़ो उस तो बाद लैंग्वेज 2 दा भी सेम सिलेबस 5 जन टू 8 जन इनू तुसी कब तक फोकस करना है 5 जनवरी तो लेके 8 जनवरी तक पैसे सेम लैंग्वेज स्किल्स टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स एंड 4th रेमेडियल टीचिंग इवन की लैंग्वेज 1 ते लैंग्वेज 2 ਦਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਗਰ ਲੈਂਗੁਏਜ 1 ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ 2 ਲਈ ਹੋਗੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲ ਫਸਟ ਲਈ ਪੜੀ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਵੀ ਪੜੀ ਗਈ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਪਲੱਸ ਮੈਥਡਸ टीचिंग लर्निंग मैथड्स से बहुत ध्यान दोगे मैथड्स से क्वेश्चन भी आंदा ही आंदा है टीचिंग लर्निंग मटीरियल हो गए एंड टीचिंग मैथड्स हो गए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है लैंग्वेज के अंदर बिल्कुल स्किप नहीं करके जाओगे रेमेडियल टीचिंग डायग्नोसिस अगर तुसी ये सब भी कवर कर रहे हो तो तुहाडा लैंग्वेज वाला पार्ट पेपर के अंदर बड़ी ईजली कवर हो जाएगा ये अपने को तीन कॉमन टॉपिक से अगर तुसी सीटेट 1 का पेपर भी दे रहे हो सीटेट 2 का पेपर भी दे रहे हो फर्दर जो अपने को सब्जेक्ट है मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 जो स्टूडेंट सीटेट 1 दे रहे हैं एंड मैथ्स 2 जो स्टूडेंट सीटेट 2 दे रहे हैं एंड कुछ स्टूडेंट जो दोनों दे रहे हैं वो 1 भी दे रहे हैं 2 भी दे रहे हैं तो मैथ्स 1 के अंदर कौन-कौन टॉपिक कवर करने हैं नंबर सिस्टम फ्रैक्शंस अलजेब्रा रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड डाटा हैंडलिंग अगर तुसी ये 5 टॉपिक कर जंदे हो तुहाडे कोल 4 दिन है 4 दिन के अंदर 5 टॉपिक बड़े आराम नाल हो जाएंगे क्वेश्चन प्लस समझ भी लोगे अगर तुसी 1 दिन के अंदर भी बच्चे 1 टॉपिक कर रहे हो ना तां भी तुहाडे कोल कंसैप्ट भी क्लियर रहेगा प्लस नाल उंदे क्वेश्चन भी हो जाएंगे अगर तुसी मैथ्स 2 अगर तुसी सीटेट 2 पेपर दे रहे हो तां ज्योमेट्री एडिशन एंड सबट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन टाइम वॉल्यूम डाटा हैंडलिंग ये तुहाडे कोल कित्थे रह रहा है बच्चे मैथ्स 1 लई एंड ये सब तुहाडे कोल कित्थे रह रहा है मैथ्स 2 लई ये तुहाडे कोल कित्थे रह रहा है मैथ्स 2 ਲਈ ਮੈਥਸ 2 ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨੇ ਆ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਅਲਜੈਬਰਾ ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਥਸ 1 ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਟਾਈਮ ਵੋਲਿਊਮ ਡਾਟਾ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ 5 ਚੈਪਟਰ ਇੱਧਰ ਹੈ 5 ਚੈਪਟਰ ਇੱਧਰ ਹੈ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ 4 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਚੈਪਟਰ ਬੜੀ ਈਜ਼ਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਲੋਡਸ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਥਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਥਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵੇਟੇਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 30 ਮਾਰਕਸ ਦੀ 30 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟ 'ਚੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਟੋਟਲ ਆਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਚੈਪਟਰ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਚੈਪਟਰ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਈਟ ਹੋਗੀ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਹੋਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੋਗੀ ਉਤੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੈਟਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਮੈਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਟਰ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਐਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਐਸਿਡ ਬੇਸਿਸ ਐਂਡ ਸਾਲਟ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਂਡ 5th ਵਨ ਇਜ਼ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ 5 ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਚੈਪਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਇਓ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਅਗਰ ਬਾਇਓ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਲ ਐਂਡ ਡਿਸੀਜ਼ਿਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜੋ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਈਵੀਐਸ ਈਵੀਐਸ ਜੋ ਕਿ ਸੀਟੈਟ 1 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ सीटेट 1 के अंदर ईवीएस कितने मार्क्स की पूछी जाती है 30 मार्क्स की 30 मार्क्स तो बच्चे 20 मार्क्स का ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟ 10 मार्क्स की पैडागोजी
10 मार्क्स की पैडागोजी है। अगर तुसी 20 मार्क्स जो कि तुहानू कंटेंट तो आंदा है ये सारे चैप्टर्स भी करके जा रहे हो तो 20 आउट ऑफ 20 तुहाडे श्योर है। करना की हुण ट्राइब्स, लैंग्वेज, डांस, फूड एंड न्यूट्रीशन, ह्यूमन हैल्थ, डिसीजेज एंड स्पैशल एनीमल्स एंड प्लांट्स, अगर ये सारे टॉपिक तुसी ईवीएस के अंदर कवर करके जा रहे हो वह भी टाइम 13 जनवरी तो 16 जनवरी। कदों जाना है इतने 13 जनवरी तो 16 जनवरी, क्योंकि साइंस से ईवीएस, साइंस से ईवीएस, साइंस पढ़नी है सीटेट पेपर 2 वाले ने, ईवीएस पढ़नी है पेपर 1 वाले ने। तेरे को ट्राइब्स हो गए, लैंग्वेज हो गया, डांस नहीं करना, मतलब डांस वाला चैप्टर पढ़ के जाना है, फूड एंड न्यूट्रीशन, ह्यूमन हेल्थ, डिसीजेज एंड स्पैशल एनीमल्स एंड प्लांट्स, ये तुसी सीटेट 1 एंड सीटेट 2। अगर तुसी इस अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना के अपने डेज वंड के आपकी तैयारी अज तो भी कर दो तो 120 प्लस स्कोर कर सकते हो। हुण तुहाडे को लास्ट जो अपने को रहिंदा है सब तो स्कोरिंग पार्ट SST, जो साइंस स्टूडेंट नहीं है जिन्होंने सोशल साइंस की पढ़ के जानी है तो उन्होंने को बेटा 60 मार्क्स की पूछी जाती है SST, जिन्हें अंदर बेटा 40 मार्क्स का तुहाडे को की आंदा है कंटेंट, 40 मार्क्स का की आया जाता है कंटेंट एंड 20 मार्क्स की ऑलमोस्ट पैडागोजी पूछी जाती है। पैडागोजी आ गई, इट मीनस जी पैडागोजी तुम स्टार्टिंग तो पढ़ चुके हो उन्होंने रिवाइज नाल दी नाल करते जाना है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के अंदर तुम्हें पैडागोजिकल पोर्शन पूछा ही पूछा जाता है। हूँ SST के अंदर बहुत सारे चैप्टर है, बट अगर तुम सल्तनत ऑफ दिल्ली, द एस्टैबलिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी पार, रिवोल्ट ऑफ 1857-1858, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चैप्टर बिल्कुल स्किप नहीं करोगे। प्लैनेट, एयर, वाटर, ह्यूमन एनवायरनमेंट, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, लेक्स, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, अगर ये तुसी सारे चैप्टर्स कवर कर जाते हो तो SST के अंदर भी तुसी बहुत अच्छा स्कोर करोगे एंड आपका पेपर क्लीयर करोगे। इस तरह तुसी पूरे डेज के अंदर वंड के आपका सिलेबस कवर करना है। किवें करोगे, 28 दिसंबर तो 21 दिसंबर तक की पढ़नी है CDP, फिर 1 जनवरी तो 4 जनवरी तक की करनी है Language 1, 5 जनवरी तो 8 जनवरी तक की करनी है Language 2। जो भी तुसी Language 2 ऑप्ट ली है या तुसी जो भी Language 1 ऑप्ट करी है तुसी चेंज कर सकते हो। अगर तुसी Language 2 पहला करना चाहते हो तो तुसी Language 2 भी पहला कर सकते हो। 9 जनवरी तो 12 जनवरी Maths 1 करना है CTET 1 वाले ने, Maths 2 करना है CTET 2 वाले ने। 13 जनवरी तो 16 जनवरी 13 जनवरी तो CTET 1 वाले ने की करनी है EVS एंड CTET 2 वाले ने की करनी है साइंस, पर SST पूरी तुहाडे कोल 60 मार्क्स दी है ते कदों तो स्टार्ट कर देनी है 9 जनवरी तो लैके 16 जनवरी तक तुसी की करनी है आपकी SST कवर करनी है। हुण 16 जनवरी तक तुसी पूरे का पूरा सिलेबस कवर कर लिया, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सी तुसी वो सब कवर कर ले। हुण की करना है, क्योंकि देखो जो सिलेबस तुसी कवर करिया उन्हों पढ़ के जाना, उन्हें रिवीजन करनी बहुत जरूरी है। कुछ भी नवा नहीं पढ़ोगे, जो तुसी इस डेज के अंदर पढ़िया सिर्फ उन्हें रिवीजन करनी है 17 जनवरी तो लैके 20 जनवरी तक 17 जनवरी तो लैके 20 जनवरी तक तुसी सिर्फ की करनी है रिवीजन। 17 जनवरी तो लैके 20 जनवरी तक तुसी की करोगे फुल सिलेबस रिवीजन प्लस PYQ प्रैक्टिस। 4 दिन के अंदर तुसी रिवीजन करोगे सिर्फ जो तुसी पढ़िया है, CDP, Language 1, Language 2, EVS, Math, Science एंड SST। साइंस वाले मैथ साइंस, SST वाले अपनी SST, क्योंकि 17 जनवरी तो 20 जनवरी तक फुल सिलेबस की रिवीजन कर लोगे प्लस PYQ प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ भी नवा नहीं करोगे। अगर PYQs की प्रैक्टिस करके जा रहे हो बहुत अच्छे नाल तो 120 प्लस किते नहीं गए, 120 प्लस बड़े आराम नाल तुसी लै सकते हो। एट लास्ट सब कुछ होने तो बाद 21 जनवरी नूं तुहाडा एग्जाम है, सो 21 जनवरी दे एग्जाम लई तुहानूं पहलां ही बेस्ट विशेस दे रहे हैं, ऑल द बेस्ट, ते आपदा तुसी एग्जाम क्लीयर करो एंड अपनी तैयारी नूं हुणे तो ही स्टार्ट करो, क्योंकि हुण तो भी तुसी अपने तैयारी स्टार्ट करके अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो एंड आपदा CTET दा एग्जाम क्लीयर कर सकते हो।